गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि शॉर्ट टाइप के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का क्या होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, है ना। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोजिशन, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है जितनी भी कंपोजिशन हो रही है, जो भी पावर्स हैं वहाँ पर, जो भी पावर्स मिलती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उसके बाद में जो भी फंक्शंस रहते हैं उनके, कि कौन कौन से वर्क उनको वहाँ पर करना है और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्हें अच्छे से आगे बढ़ानी है, है ना। कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं उसके अंदर, तो हमने बात की थी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी, ये तीनों ही चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होती हैं ऑफ द गवर्नमेंट। और ये सभी किसके अंदर आती हैं बेटा, ये अंडरटेकिंग इन अ गवर्नमेंट वर्क करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अलग से रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में, और जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके बीच में। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी लेकर ये चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सप्रेस द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को हम एज अ आइडियल वहाँ पर बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टेंडेंसी, फेथ एंड एम्बिशन ऑफ द पीपल। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, ये किस पर बेस्ड होता है, वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पॉलिटिकल टेंडेंसी है, और जो विश्वास है, फेथ मतलब जो विश्वास है, और जो एम्बिशन है, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री के जो पीपल हैं वो इस तरीके से आगे बढ़े। तो कुछ एम्बिशन भी होते हैं, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम के, पार्टीज़ के, कि हाँ हमारी कंट्री का डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही इसके अंदर बेटा इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, है ना। सोशलिस्ट क्या होते हैं और सेक्युलर क्या होते हैं, इनका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट मीन्स दैट द इंडियन सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन द एग्लिटेरियन सोसाइटी, फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडियन विल असेंशियली बी डन, अ सोशलिस्ट स्ट्रक्चर वुड बी अडॉप्टेड एज पर द इंडियन कंडीशन, है ना। जो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है वो एज पर द इंडियन कंडीशन अडॉप्ट किया जाता है, और इसका नीड क्या है, तो ये क्या करता है, तो ये बताता है कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी के लोगों की, जो रिक्वायरमेंट है जो कि असेंशियल है, उनके बारे में हमें ये बताता है। और सोशलिस्ट स्टेट मींस दैट द इंडियन सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन द एग्लिटेरियन सोसाइटी, है ना। एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है बेटा, एग्लिटेरियन का मतलब होता है समता या फिर समानता, है ना। तो एग्लिटेरियन सोसाइटी हम उसे बोलेंगे जहाँ पर सभी लोगों को समान रूप से, मतलब समानता मिलती है, सभी लोगों को इक्वालिटी वहाँ पर मिलती है ना। इक्वालिटी का ही दूसरा फॉर्म है एग्लिटेरियन, है ना। तो इसका मतलब होता है इक्वालिटी, कि उनको क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, इक्वल सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हें मिले। तो यही क्या करना चाहता है, ये सोशलिस्ट स्टेट हमें करता है। अब देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ सेक्युलर, अब सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है, द आइडियल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आइडियल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर, काय में डिक्लेयर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिक्लेयर्ड है।
दिस मीन्स दैट द स्टेट विल इक्वली प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन एंड इट्सेल्फ विल नॉट कंसीडर एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, है ना। उनका मतलब है कि स्टेट में जितने भी रीजन हैं, रिलीजन हैं, है ना, जितने भी धर्म प्रजाति के लोग वहाँ पर रहते हैं, उन सब को वो इक्वली क्या करेंगे बेटा, प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। और वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि इस स्टेट का रिलीजन ये है तो यहाँ पर सारे यही लोग रह सकते हैं या यही रिलीजन यहाँ पर चल सकता है, ऐसा नहीं होगा। द गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। गवर्नमेंट किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकती, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन के बेस पर किसी के साथ में भी आप पक्षपात नहीं कर सकते हो। एवरी पर्सन हैज़ फ्रीडम टू बिलीव रिलीजन एंड वर्कशिप। सभी को अपने अपने धर्म को मानने की, जिसको आप मानते हो, अपने अपने धर्म को चुनने की और अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की, यहाँ पर क्या है बेटा, फ्रीडम है, है ना, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, जिसको भी आप मानते हो, रिलीजन जिस धर्म के भी आप हो, और वर्कशिप जिस तरीके की आप पूजा करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये मीनिंग हो गया बेटा सोशलिस्ट और सेक्युलर का।